मैं भी देखती हूँ अब तुम मुझे कैसे हराती हो। मचाती रहो शोर, कोई नहीं आने वाला। हाँ, ये ले बेटा, ये ले बेटा। हाँ दरवाजा किसने बंद कर दिया? बहू बेटा कहाँ रहेगी? दवाई लाने तो वो गई थी ना? पता नहीं अम्मा, मुझे बस दवाई का पता दिया और चली गई। चली गई? बताओ ऐसे कैसे चली गई? यहाँ एक इंसान अंदर से तड़प रहा है और वो बीच में छोड़ के चली गई। खैर जिम्मेदार छोरी है तू, तो ऐसा कर जा जाके दमाचे का ख्याल रख। देख उनको किसी चीज की जरूरत तो ना है, और ख्याल रखना कि आराम करे। जा। शुक्ल क्यों ना रहे? मेरे पास मेरा फोन भी ना है। मदद के लिए भी किसी ने ना बुला सकती। भजन से घर का वातावरण भी शुद्ध होगा और उस छोरी का बार बार दरवाजा खटखटाना भी किसी को सुनाई ना देगा। ऐसा लगता है कि इस कमरे में जानबूझ के बंद किया गया है। जरूर नीलम ने करेली काकी की मदद ली होगी, तभी उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। नीचे भी आराम कर रहे हैं, लेकिन कब तक हम इन दोनों को अपने अपने कमरों में रखेंगे? कभी ना कभी तो बाहर आएंगे ना, तब क्या करेंगे? उस चोरी को बेगुनाह साबित करने के लिए 48 घंटे दिए थे ना, और 48 घंटे पूरे होने वाले हैं। उसके बाद वो थारे बारे में जो भी उल्टा सीधा बोलेगी अपने लिए गड्ढा खोदेगी, थारा कुछ ना बिगाड़ पाएगी। चिंता ना कर। कैसे निकलूं यहाँ से? कोई तो तरीका होगा। गणेश जी महाराज मदद कर। कुछ दिखना रहा, हो सकता है कि चाबी यहाँ पर ही फंसी हो।
माना कि 48 घंटे पूरे होने में अभी थोड़ा ही समय बचा है, तो आपके बेटे बहू ने वादा किया था ना कि 48 घंटे के अंदर चोर को पकड़ के ले आएगी, पर वो तो खुद ही गायब है। इसलिए कि चोरी उसने की है। भाई साहब, आपने आज तक सच्चाई का साथ दिया है, न्याय किया है, तो इब भी न्याय करो और अपने बहू बेटा को चोरी की सजा दो। तो बात मैं इसलिए बताने आई हूँ ताकि आप भूल ना जाओ। मैं कुछ नहीं भूला हूं, इसलिए मुझे कुछ याद दिलाने की भी जरूरत नहीं है। जब तक 48 घंटे पूरे नहीं हो जाते, मैं अपनी बहू बेटा का इंतजार करूंगा। तो करो इंतजार, 1.5 दिन में जो कुछ ना उखाड़ पाई वो इब के उखाड़ लेगी। मैं तो उस्ताद हूँ, मैं देखती हूँ तू मन्ने कैसे रुकती है।